नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का जब भी नाम लिया जाता है तो बिहार की राजनीति में सीधे लॉकुश पर फोकस हो जाता है। लेकिन एक और दोनों में सिमिलरिटी है, और दोनों में सिमिलरिटी ये है कि समता पार्टी के समय से दोनों एक दूसरे की रणनीति को अच्छी तरह से जानते और पहचानते भी हैं, और लगभग राजनीतिक शैली भी दोनों की एक समान है। यही कारण है कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है जब नीतीश कुमार ये कुर्सी खाली करेंगे। लेकिन बीच में आपने देखा कि किस तरह से सब कुछ बदलता हुआ नजर आया, और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की ऐसी ही नीतियों को लेकर के अलग हुए थे। लेकिन 2020 में जब दोनों बुरी तरह से अपने स्थिति को संभालने में असमर्थ हुए तो फिर साथ आए। कहा जाता है ना कि दुखिया का दोस्त दुखिया होता है। दोनों मिलकर के एक मजबूत स्तंभ बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी बीच में नीतीश कुमार ने फिर से अपनी वो पुरानी आदत और जो चाल थी उनकी राजनीतिक, वो चलने लगे। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लाया तो जरूर था लॉकुश समीकरण को बनाने के लिए, लेकिन बीच में ही उन्होंने फिर से अपना एंगल चेंज किया और कुशवाहा की जगह आरसीपी सिंह को लगातार अधिकार पर अधिकार मिलते चले गए, चाहे वो केंद्र में मंत्री बनना या फिर पार्टी का अध्यक्ष बनाना। ये सारी बातें चल रही थी और इसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा वेट एंड वॉच की स्थिति में थे कि अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब आए थे तो उनके साथ बहुत सारी बातें हुई थी। अब इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा उधेड़बुन में लगे हुए थे। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कहानी कर रहा हूं, मैं कहानी नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की राजनीति का वो पहलू बता रहा हूं जो शीशे के पीछे है। शीशे के सामने तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन शीशे के पीछे क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। उपेंद्र कुशवाहा को फिर से एक बार झटका लगा जब आरसीपी सिंह को अध्यक्ष पद से हटा करके और ललन सिंह को बनाया गया। ललन सिंह को जब दोबारा बनाया गया, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा नहीं बने और उपेंद्र कुशवाहा को कोई बड़ा पद न मिले, इसके लिए एक कुशवाहा को पहले ही बिहार के गद्दी पर बैठा दिया गया और उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। यहीं से पूरा दी एंड हो गया उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच का जो डिफरेंस था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा है, उनके समाज के लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं, चाहे उनसे जितना भी नाराज रहे, गाजर मूली फेंके, लेकिन इंतजार उन्हीं का करते हैं और उनके इशारे पर वो एक्ट भी करते हैं। कुर्नी में आपने देखा सब कुछ हुआ, लेकिन इन सारी बातों को पचा भी नहीं पाया कोई। बहुत खुल करके उपेंद्र कुशवाहा ने वो दुख जाहिर किया जिसके कारण वो कुर्नी का चुनाव हारे, किस तरह से वहां हारने का कारण बना, ये सारी बातें उन्होंने की, जिसमें शराबबंदी भी थी वगैरह वगैरह। पार्टी ने सही तरीके से वहां पोर्ट्रे नहीं किया, कुशवाहा समाज के नेता होने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को प्रयोग नहीं किया गया, ये सारी बातें हम आपसे कर चुके हैं। लेकिन अब इधर पिछले करीब 48 से 72 घंटे के बीच उपेंद्र कुशवाहा के बयान में लगातार चेंजिंग आ रहा है। हमने आपको एक खबर बताई थी कि उनके बयान में चेंजिंग आने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नई संविदा हो गई हो, और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को फिर से अपने साथ रखने के लिए कोई नया गेम प्लान रच दिया हो। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के आपको हम बता रहे हैं कि 2024 और 25 के फाइनल मैच से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार वो टारगेट करते रहे हैं, और ऐसा तो नीतीश कुमार भी करते रहे हैं, तेजस्वी यादव भी करते रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है कि अपने विरोध में जो रहे हैं उनको जबरदस्त टारगेट करने का एक काम चलता रहता है। राजनीति की यही धारा है, जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं, दोस्ती गांठते हैं, तो सारे गिले शिकवे भूल करके और फिर से आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से रणनीति शुरू की है और आज भी उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान साफ दिखा रहा है कि उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। कैसे दूसरी पार्टी से लोग आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, कैसे अपनी पार्टी को मजबूत करके लोगों को जोड़ करके रखा जाता है, गुण तो ये जानते भी थे पहले से। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगने लगा है कि जो लोग उनके साथ जुड़े थे उनके साथ सही नहीं हो रहा है, उन्हें सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, और ऐसी स्थिति में उनकी राजनीति ढलान पर चली जाएगी। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से वो अपने आप को सर्वाइवल के दौर से लेकर के गुजर रहे थे, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा 2024 की तैयारी शुरू कर चुके हैं। जैसे ही नीतीश कुमार ने 2025 के लिए तेजस्वी यादव का नाम घोषित किया,
उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी। बार बार हर मंच से जब भी मीडिया उनके सामने आती है तो स्पष्ट करते हैं, जब यह सवाल पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री मानते हैं तो उसका जवाब उनके पास सीधा है, वो जवाब है कि हमें 2025 नहीं 2024 की तैयारी करनी है और इस तैयारी में हम लगे हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने समता पार्टी से आए साथियों को लेकर के और लोक जनशक्ति पार्टी से आए नेताओं को लेकर के जिस तरह के बयान दिए हैं और उनका जिस तरह से कहना है कि जदयू को हम मजबूत कर रहे हैं, ये एक प्रैक्टिस है जिसमें आने वाले समय में अगर आरएलएसपी का फिर से जीवंत होना कहीं अगर नियति का के गर्भ में छुपा हुआ होगा तो उपेंद्र कुशवाहा उसके लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, और ये अगर हुआ तो इस प्रैक्टिस का लाभ कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा। दिलचस्प बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा जितना मजबूती के साथ जदयू को अपना बता रहे हैं उससे ज्यादा मजबूती से आने वाले समय में कहा यह जा रहा है कि आरएलएसपी को जदयू से भी बहुत सारे लोगों को लेकर के एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी में है, और यह संभव हो सकता है अगर उपेंद्र कुशवाहा को साधा नहीं जाए। प्रैक्टिस तो शुरू हो चुकी है, अब फाइनल मैच का आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, अपडेट जो भी होता है हम आपके साथ लगातार साझा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली खबर के लिए फिर आपसे जुड़ेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।